अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंडियन ब्लॉगर फाजी एंड फूड कॉर्नर। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिंपल और इजी अंडे के सालन की रेसिपी। अंडा बनाने के लिए पहले तो मैं अंडा और बटाटे को उबाल लूंगी। अंडा और बटाटा उबल चुका है और बर्तन भी साथ में धुल रहे हैं। दोनों को मैंने अच्छे से छील ली थी और ये अंडे की फ्राई बना रहे हैं जैस भाई के लिए। शाम का नाश्ता हो चुका है, अभी हम लोग कर रहे थे खाने की तैयारी। कांदे को भी मैंने लंबा और पतला काट ली थी, इसको मैं फ्राई करके पीस लूंगी सालन में डालने के लिए। अंडा और बटाटा दोनों ही छिलकर हो चुके हैं। अभी मैं अंडे को हल्दी और मिर्ची और नमक डाल के हल्का सा शैलो फ्राई कर लूँगी टॉप में। ये मैंने सारे अंडों को फ्राई कर ली थी, अभी मैं इसमें डालूँगी काली मिर्ची और ज़ीरा। अभी मैं इसमें डाल लूंगी अपना कांदे का पिसा हुआ पेस्ट। इसकी वीडियो क्लिप लेना मैं भूल गई थी, मैंने कांदे को तल के पीस ली थी और उसका पेस्ट बना ली थी। अभी मैं इसमें डाल लूंगी लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और मिक्स करके इसको भून लूंगी। मसाले को थोड़ी देर तक भून लूँगी। अभी मैं इसमें डाल लूँगी नमक और फिर से चलाकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी और डाल लूँगी बटाटे आधे काट के। बटाटे को मैंने मिक्स करके चला ली थी, अभी मैं इसमें डाल लूँगी अपने पहले से फ्राई किए हुए अंडे। इसको मैंने हल्का सा तेल पे शैलो फ्राई करी थी और इसमें मैं डाल लूँगी थोड़ा सा पानी और इसको ढक्कन रखकर थोड़ी देर के लिए पकने छोड़ देंगे और हमारा ये अंडे बटाटे का सालन रेडी हो जाएगा। सालन रेडी हो चुका था, अभी हम सब बैठ चुके हैं खाना खाने। आज रात के खाने में हम लोग ने यही बनाया है, अंडे बटाटे का सालन और रोटी। ये अम्मी खाना उतार रहे हैं और हम लोग सब लोग बैठ गए खाना खाने। आपको हमारी रेसिपी की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी और एक नए ब्लॉग के साथ।